नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बच्चा भी चाहे वो नवजात बच्चा हो या फिर 12 महीने से ऊपर का बच्चा हो, अगर वो पानी की तरफ पॉटी कर रहा है या लेटरिन कर रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे आप? तो आज मैं यहाँ पर एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ जो कि किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देती है और आप उसका इस्तेमाल करके बच्चे की जो ये परेशानी है डायरिया, एक्यूट डायरिया की, उसको आप रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बात करूँगा एंट्रोजर्मिना की। एंट्रोजर्मिना में क्या ऐसा पाया जाता है जो कि एक्यूट डायरिया यानी कि बहुत ज़्यादा दस्त हो रहा है उसको रोक देता है? दूसरा, इसकी डोज़ क्या होती है, इसकी डोज़ कैसे लेनी चाहिए, क्या इसका इस्तेमाल बड़े लोग भी कर सकते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है? तो आज मैं यहाँ पर इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी दूंगा। एंट्रोजर्मिना में पाया जाता है बेसिलस क्लॉजी और ये एक प्रोबैक्टीरिया होता है जो कि अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है जब भी किसी को पतली लैटरिन हो रही हो। ये जितने भी तरह के प्रोबैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके लैटरिन, पतली लैटरिन को जो है बंद करते हैं, उनमें ये सबसे अच्छा माना जाता है। एंट्रोजर्मिना की हर 5 ml बॉटल में जो बेसिलस क्लॉजी बैक्टीरिया है उसका अमाउंट होता है 2 बिलियन। और अब इसका हम यूज़ देखते हैं तो दो तरह के डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तो डायरिया जो इन्फेक्शन से होता है, इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, आपके हाथ साफ़ ना हो या आपने कुछ गड़बड़ खाना खाया हो जिसके कारण आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस कारण से अगर किसी के पेट में जो है पेट गड़बड़ हो जाता है और उसको जो है पतली लैटरिन की शिकायत होती है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो है, कभी कभी किसी को तरह तरह की बीमारियों में कई सारी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है जिसकी वजह से उसको डायरिया स्टार्ट हो जाता है यानी पतली लैटरिन, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंट्रोजर्मिना का इस्तेमाल नवजात शिशु यानी 12 महीने से कम का बच्चा है उसमें भी किया जाता है। इसके अलावा बड़े बच्चों, बुज़ुर्गों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब अगर कोई 12 महीने से कम का बच्चा यानी नवजात शिशु में है तो इसकी डोज जो है वो दिन में इसकी 2 बॉटल जो है बच्चे को दी जाती है। अब जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो उसको जो है इस ड्रॉ जो बॉटल है इसकी, उसको ड्रॉप ड्रॉप करके जो है दिन में 2 बॉटल जो है सुबह शाम में दी जाती है। बड़े में जो है, अगर कोई जैसे 15 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसमें 2 से लेके 3 बॉटल एक दिन में इसका इस्तेमाल जो है लैटरिन के केस में कर सकते हैं। एंट्रोजर्मिना का वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर आप इसकी ओवरडोज ले लें तो जी मचलाना या उल्टी की समस्या हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर देखा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर एंट्रोजर्मिना से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी है आपकी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।